साथ मैं आशुतोष मिश्रा आज तक। महाराष्ट्र की सियासत से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे मंत्री बन सकते हैं। आज कैबिनेट का पहला विस्तार होना है और लगभग 1 बजे ये विस्तार होने वाला है। खबर यह है कि आदित्य ठाकरे को मंत्री पद दिया जा सकता है। डिप्टी सीएम की रेस में अजीत पवार जम चुके हैं। आज कांग्रेस से 10, एनसीपी से 14, शिवसेना से 12 मंत्री शपथ ले सकते हैं। ताजपोशी के ठीक 32 दिन बाद उद्धव कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। आज दोपहर 1 बजे 36 नए मंत्रियों को ठाकरे मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इस विस्तार में गठबंधन के मंत्री फॉर्मूले को अपनाया जाएगा। माना जा रहा है कि फडणवीस सरकार में कुछ घंटों के डिप्टी सीएम बने अजीत पवार फिर से डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना से गुलाबराव पाटिल, अब्दुल सत्तार, संजय रेमुलकर, राहुल पाटिल, प्रदीप जायसवाल, श्रीनिवास वंगा, रविंद्र वायकर, सुनील राउत, तानाजी सावंत, शंभू राजे देसाई, भास्कर जाधव, दीपक केसरकर, प्रकाश अबितकर, आशीष जायसवाल, संजय राठौर और सहयोगी दल के बच्चू काडू मंत्री की रेस में हैं। वहीं एनसीपी कोटे से आज 14 मंत्री शपथ लेंगे, जिनमें अजित पवार, धर्मा राव, अतराम राजेश टोपे, नवाब मलिक, संग्राम जगताप, हसन मुशरिफ, अनिल देशमुख, अदिति तटकरे, राजू शेट्टी और दूसरे जयंत पाटिल मंत्री की दौड़ में शामिल हैं। कांग्रेस के बाकी 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं, जिनमें अशोक चौहान, केसी पड़वी, अमित जनक, यशोमती ठाकुर, आमीन पटेल, अमित देशमुख, प्रणति शिंदे, सतेज पाटिल, विश्वजीत कदम और सहयोगी दल के जोगेंद्र कावड़े के नाम चल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी जा सकती है। अभी 12 जगह हमारे लिए मिली है, उसमें 2 स्टेट मिनिस्टर रहेंगे, 10 कैबिनेट रहेंगे, जिसमें तीनों दलों के मंत्री और राज्य मंत्री शपथ लेंगे। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो नाम सुझाया जाएगा मुख्यमंत्री उन्हें शपथ दिलाएंगे। एनसीपी की तरफ से पवार साहब नाम सूचित करेंगे और शिवसेना के नामों का चयन जो है स्वयं उद्धव जी करेंगे। इस विस्तार से उद्धव मंत्रिमंडल में शिवसेना के कुल 15 मंत्री हो जाएंगे, जिनमें 11 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री होंगे। एनसीपी के 12 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री होंगे, जबकि कांग्रेस कोटे से 10 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री होंगे। सौरभ वक्तानिया के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।